चलिए एक एक करके हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये हिमालय का ईपी पाउडर है, न्यू ही परचेज किया है, डायरेक्ट ऐसे ही डाल देते हैं। मैंने इस तरीके से डाल दिया है, ठीक है, मैंने इतना इसमें मार दिया है। ये फिप्रोनिल स्प्रे है दूसरे नंबर पे। अब तीसरे नंबर पर मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो ये स्काई का टिक पाउडर है। ऑलमोस्ट मैंने कोशिश किया कि सभी पे मार दूँ। ये नोटिक्स का पाउडर है, मैंने यहाँ पे लगा दिया है। ये है फिप्रोनिल का स्पॉट ऑन 10 kg वाले डॉग्स के लिए, और एक ड्रॉप इसमें डाल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो थोड़ा सा हटके है और थोड़ा सा अलग है। मेरे पास यहाँ पे भरा हुआ टिक्स है, मैं आपको नज़दीक से भी दिखाऊंगा। और यहाँ पे टोटल 5 कंपनी का मेरे पास प्रोडक्ट है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन 5ों प्रोडक्ट में सबसे बेस्ट रिजल्ट किसका रहता है और कौन सा प्रोडक्ट आपको अपने डॉग के लिए लेना चाहिए। दोस्तों एक एक करके मैं प्रोडक्ट बता देता हूँ, फिर मैं आपको नज़दीक से टोटल टिक्स दिखाऊंगा कि कैसा है दिखने में। तो सबसे पहले हमारे पास बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड हिमालय का ईपी पाउडर है, एरिना पाउडर, जो कि टिक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर है, बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। अब दूसरे नंबर पे मेरे पास ये फिप्रोनिल का स्प्रे है, बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। अराउंड इसका प्राइस 450 रुपये का है और इसका 190 रुपये के आसपास है। अब जो तीसरा मेरे पास प्रोडक्ट है वो स्काई का है, जिसका प्राइस 190 रुपये है हिमालय का, और इसका प्राइस एक ही है। अब मेरे पास चौथे नंबर है नोटिक्स पाउडर, यहाँ पे जो इसका प्राइसिंग है वो 230 रुपये का है। अब हमारे पास पांचवें नंबर में फिप्रोनिल का ही ये स्पॉट ऑन है, स्पॉट ऑन तो आप लोग जानते ही होंगे। अब दोस्तों आप लोग अभी कमेंट करिए कि इन 5ों प्रोडक्ट में आप लोग कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करते हो अपने डॉग के लिए और उसका क्या रिजल्ट रहता है। चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताऊँगा कि आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले क्या है। हम लोग करेंगे ये कि इस डब्बे में टिक भरा हुआ है और इस भरे हुए टिक को निकालेंगे और एक एक करके सब में रख देंगे, और उसके बाद इस सभी प्रोडक्ट को उसमें डाल करके डब्बे को बंद कर देंगे, और कल सुबह हम चेक करेंगे कि कौन से प्रोडक्ट का रिजल्ट सबसे बेस्ट रहा और किसका प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा टिक्स को मार पाया है, ताकि ये आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगा कि आप लोग नेक्स्ट टाइम जब भी ये टिक स्प्रे या पाउडर खरीदो तो कौन सा खरीद पाओ। चलिए दोस्तों आप लोग नज़दीक से देख लीजिए टिक्स को हम किस तरीके से डिवाइड करते हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे ओपन कर रहे हैं, और ये मैंने ओपन कर दिया, देख सकते हो पूरा टिक यहाँ पे भरा हुआ है। एक्चुअली ज़्यादा टिक मुझे मिल नहीं पाया, इसके वजह से मैंने आपको इतना ही दिखा पा रहा हूँ, लेकिन इससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा टिक स्प्रे और पाउडर ज़्यादा काम कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले मैं कुछ इसमें डाल दे रहा हूँ, ठीक है, और बचा हुआ कुछ इसमें, और फिर जो और बच गया इसमें, और कुछ इसमें, ठीक है, इसमें आप दिखाइए और सारे में दिखाइए। तो दोस्तों आप देख रहे हो कि सभी में सभी टाइप का टिक है, किसी में ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोटा है या फिर बड़ा है, सभी में मैंने इक्वल बांटने का कोशिश किया है, तो सब में आपको ऑलमोस्ट बराबर ही मिलेगा। चलिए एक एक करके हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये हिमालय का ईपी पाउडर है, न्यू ही परचेज किया है, डायरेक्ट ऐसे ही डाल देते हैं। मैंने इस तरीके से डाल दिया है, ठीक है, मैंने इतना इसमें मार दिया है। ये फिप्रोनिल स्प्रे है दूसरे नंबर पे। अब तीसरे नंबर पर मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो ये स्काई का टिक पाउडर है। ऑलमोस्ट मैंने कोशिश किया कि सभी पे मार दूँ। ये नोटिक्स का पाउडर है, मैंने यहाँ पे लगा दिया है। ये है फिप्रोनिल का स्पॉट ऑन 10 kg वाले डॉग्स के लिए, और एक ड्रॉप इसमें डाल रहे हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि मैंने एक एक करके सारे में अलग अलग प्रोडक्ट रखा है, अब सभी को मैं बंद कर दूंगा। अब दोस्तों कल सुबह हम देखते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट सही रहता है,
ठीक इसी वीडियो में। और तब तक आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करते हो और उसका क्या रिजल्ट रहता है डॉग पे, ताकि और भी लोगों को हेल्प मिले। तो दोस्तों, आप लोग बहुत ही ज़्यादा तैयार हो गए और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गए ये चेक करने के लिए कि कौन सा काम करता है और कौन सा काम नहीं करता है। मैंने पैक कर दिया था सभी को और सभी में होल कर दिया था ताकि ऑक्सीजन के लैग के वजह से सभी ना मरे। और टोटल एक घंटे के बाद मैं चेक करने के लिए आया हूँ। अब दोस्तों, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि कौन सा वर्क कर सकता है और कौन सा वर्क नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, मैंने ये फिप्रोनिल स्प्रे यूज़ किया हुआ है और ये वर्क करता है, मेरे डॉग पे वर्क किया है, माइंड ब्लोइंग तरीके से ये वर्क किया है। और ये नोटिक्स भी मैंने यूज़ किया हुआ है जो कि माइंड ब्लोइंग तरीके से वर्क करता है। और ये हिमालय वाला भी मैंने यूज़ किया अपने डॉग पे, यूज़ ये वर्क तो करता है बट बहुत ही कम, ना के बराबर ये वर्क करता है बट इसके कंपेरिजन में बहुत कम। अब दोस्तों, ये जो है फिप्रोनिल कट स्पॉट ऑन, ये मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, अभी तक मात्र 3 से 4 बार ही यूज़ किया है और इसका कन्फर्मेशन रिजल्ट मेरे पास नहीं है। अब दोस्तों चलिए, मैं सभी को खोलता हूँ और चेक करता हूँ कि किसका रिजल्ट सही है, ताकि आप लोगों को भी हेल्प मिले। चलिए नज़दीक से मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, आप लोग काफ़ी एक्साइटेड हो गए। जो सबसे पहला वाला था वो हिमालय का था, तो मैं इसको ओपन करता हूँ और देखता हूँ कि हिमालय के पाउडर का क्या रिजल्ट रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो आप नज़दीक होकर के दिखाइए, कोई लकड़ी लाओ तो वहाँ से लकड़ी। तो यहाँ पर मुझे कुछ टिक्स दिख रहे हैं जो कि जिंदा है, जैसे कि ये टिक्स है, जूम करके दिखाइए, ये जो टिक्स है ये जिंदा है, इस पर पाउडर नहीं पड़ा था। अब इस टिक का भी पैर हिल रहा है अगर आप गौर से देखोगे तो, और अगर इसका देखा जाए तो इसका भी पैर हिल रहा है अभी तक, और इसका भी पैर हिल रहा है, हल्का हल्का सा हिल रहा है। मतलब ये कि जिस पे परा है ये हिमालय वाला, उस पे हल्का हल्का सा असर किया है बट एक घंटे के बाद भी सारा मरा नहीं है, कुछ जिंदा है, कुछ पैर हल्का हल्का हिला बट 100% कोई मरा नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास फिप्रोनिल का स्प्रे है, ये मैंने अपने डॉग पे यूज़ किया हुआ है और ये वर्क करता है, बट इसमें मैं देख रहा हूँ कि वर्क किया है कि नहीं किया है। चलिए, ये टिक स्प्रे है फिप्रोनिल का, मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पे देख रहा हूँ, इसमें सभी बड़े थे और ये जो छोटा वाला है ये तो मर गया, बाकी सब का सब जिंदा है। ओ, ये तो अनेक मतलब कि बहुत ही बेकार काम किया है, देख सकते हो ये तो, बट मेरे डॉग में तो ये काम किया था। हो सकता है कि ये स्प्रे मारने के बाद ये जो टिक है अपना माउथ ओपन कर लेता हो और डॉग के बॉडी से गिर जाता हो, बट ये काम नहीं किया है। लेकिन ये मैंने अपने डॉग में यूज़ किया है तो उसमें तो काम किया था, अब यहाँ पता नहीं था। चलिए, अब हमारे पास ये है स्काई का टिक फ्री पाउडर, चलिए इसको हम ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या रिजल्ट रहता है। इसमें भी कुछ टिक्स थे, मैं देख रहा हूँ, ये ऑलमोस्ट ऑल टू ऑल किल्ड है, सारे के सारे 100% मरे हुए हैं, किसी का पैर नहीं हिल रहा है, देख सकते हो किसी का पैर नहीं हिल रहा है। चलिए आगे हम देखते हैं, ये है नोटिक्स का, यहाँ पे नोटिक्स में हम देखते हैं छोटे भी थे बड़े थे, ओ माय गॉड, ये तो 100% मर गया है, पूरा का पूरा मरा हुआ है, सारे के सारे मर गए हैं ये तो। चलिए हम अगले में देखते हैं, ये स्पॉट ऑन था, सबसे महंगा प्रोडक्ट ये है, 350-400 का प्रोडक्ट है ये। चलिए देखते हैं इसका क्या रिजल्ट रहता है। इसमें देख रहा हूँ, कि ये भी मरा हुआ है और जिस पे ये पानी पड़ गया था वो भी मर गया, बट ये एक जिंदा है अभी तक, उस पे पानी पर भी था और ये तो मर चुका है बट फिर भी पैर हिला रहा है थोड़ा थोड़ा सा, और इसका मैं चेक करूं तो ये मरा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों, हमारे पास सारे का रिजल्ट आ गया और सभी का रिजल्ट माइंड ब्लोइंग था,
जो हिमालय का है ये हल्का सा लैग काम किया है, तो इसको आप साइड में रख दो। अगर कोई ना मिले फिर हिमालय लो, क्योंकि हिमालय वाला काम तो किया है बट ये स्लो स्लो काम किया है। तो आप ये स्मॉल ब्रीड के डॉग पे, टॉय ब्रीड के डॉग पे या छोटा पप्पी हो तो आप उस पर जा सकते हो, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये काम तो किया है बट स्लो स्लो काम किया है, ये थोड़ा सा सेफ लग रहा है, तो आप इसको एज ए बैक साइड पे रख सकते हो। और ये जो फिप्रोनील का स्प्रे है ये तो बहुत ही स्टूपिड तरीके से काम किया है, पता नहीं कि ये काम कैसे करता है, बट मेरे डॉग पे तो ये काम किया था, मैंने ईयर पे मारा था तो वहाँ पे 5-10 टिक थे, सभी के सभी मुंह छोड़ करके निकल गए। हो सकता है कि ये जो स्प्रे है वो डॉग को पैरालाइज करके निकाल देता हो बट किल ना करता हो, बट मैंने ये यूज़ किया है। स्टिल मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप ये फिप्रोनील का स्प्रे यूज़ करिए, ये काम करता है। यहाँ पे क्यों नहीं किया मुझे पता नहीं चला, हो सकता है कि ये मैं पहले से यूज़ कर रहा हूँ और ये इसका माउथ लीक हो गया हो, पता नहीं, बट ये काम क्यों नहीं किया मुझे समझ नहीं आया। अब ये जो स्काइक का है टिक फ्री पाउडर, ये भी काम किया है, इसमें जितने भी टिक्स थे सारे के सारे टिक मर गए हैं। अब अगला जो हमारा था ये है नोटिक्स का पाउडर। अब ये जो पाउडर है ये भी काम किया है, बहुत ही माइंड ब्लोइंग काम किया, और इसमें सबसे बेस्ट नोटिक्स का ये पाउडर ही काम किया है, सबसे बेस्ट। चलिए दोस्तों अब आपको कौन सा लेना चाहिए ये मैं बता देता हूँ। सबसे पहला ऑप्शन आप नोटिक्स का रखिए, उसके बाद दूसरा ऑप्शन आप ये इसका रखिए, तीसरा ऑप्शन आप इस हिमालय के पाउडर का रखिए, उसके बाद चौथा नंबर पे ये स्पॉटन रखिए, और ये उसके बाद स्प्रे रखिए। अब दोस्तों एक मैं आपको बोनस में नॉलेज देना चाहता हूँ कि पाउडर यूज़ करने का क्या डिसएडवांटेज है। दोस्तों ये जो पाउडर होता है ये डस्ट की तरह होता है, आप धूल समझ लो, तो जब भी धूल आपके डॉग पे पड़ेगा तो उसके पोर्स को बंद कर देगा, स्किन को बंद कर देगा, गंदा कर देगा, तो ये एक ड्रॉबैक है। तो आप बार बार इसको यूज़ करोगे तो हो सकता है स्किन में किसी टाइप का प्रॉब्लम भी आ जाए आपके डॉग में। अगर आप लोग पाउडर यूज़ करते हो तो आप लोग डॉग को नहलाने के बाद लगाइए और पूरे अच्छे तरीके से लगाइए, क्योंकि जहाँ जहाँ पाउडर पड़ेगा वही टिक्स मरेगा, तो हो सकता है टिक मरा हो या फिर पैरालाइज हो बट इनएक्टिव है। आप लोग अच्छे तरीके से पाउडर लगाइए, पूरे बॉडी में भर दीजिए पाउडर, ठीक है, सारे के सारे टिक्स मर जाएंगे। तो नंबर वन पे ये था, दूसरा पे ये भी सेम तरीके से काम किया है, और ये आप लोग सेफर साइड पे जा सकते हो हिमालय का, ये भी वर्क कर रहा था बट स्लो स्लो कर रहा था। मैं रिसेंटली अपने डॉग पे ये यूज़ कर रहा था बट ये काम नहीं किया। तो ये था हमारा रिजल्ट, आप लोग बताइए कि आपको सबसे बेस्ट रिजल्ट किसका लगा और आप लोग कौन सा यूज़ करना चाहोगे। अब दोस्तों इसमें से जितना भी प्रोडक्ट है सभी का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चाहो तो वहाँ से परचेज कर सकते हो अपने डॉग के लिए। तो दोस्तों ये था हमारा एक छोटा सा प्यारा सा वीडियो, आपको अगर और भी बहुत सारे वीडियोस चाहिए डॉग से रिलेटेड तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरीके के रेड कलर में आपको नीचे सब्सक्राइब मिलेगा, सब्सक्राइब करना फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई भी पैसा नहीं लगता है। चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं और भी सारे वीडियोस में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।